समझा। माजरत चाहती हूँ इस तरह आपके ऑफिस में आने की, लेकिन क्या करूँ, काम में कुछ खास था। जी जी फरमाइए। ये आसिफ बिल्डर्स की कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है, आप ही का प्रोजेक्ट है ना? इस कॉन्ट्रैक्ट की दो सिफारिशें मेरे पास पहले आ चुकी हैं, आप तीसरी हैं। और उम्मीद करती हूं कि मैं आखिरी ही होंगी। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से 20% कम है, मैं आपका हाई रेटेड टेंडर कैसे मंजूर कर दूं? सही कह रहे, बिजनेस के भी कुछ असूल होने चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे मैं बड़ी उम्मीद से आई थी कि शायद आप मुझे इंकार नहीं करेंगे। सुनिए सुनिए मिस फरा, दीजिए फर। वैसे मुझे उम्मीद है मिस्टर ताहिर कि आप कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, तो प्लीज। मेरा ख्याल है कि अब तो कॉफी बनती है ना? श्योर बनती है ना? बस दो स्पेशल कैपेचिनो। हाँ तैयारी करो ना, आई विल ड्रॉप यू होम। मैंने कौन सी इतनी लंबी चौड़ी तैयारी करनी है, थोड़ा सा घूंघट निकालना है और फिर रुखसत हो जाना है तुम्हारे साथ। चलो अब ये कोई रुखसती देखने ले तो तुम्हारे डैड सचमुच में तुम्हें मेरे साथ रुखसत ही ना कर दे। ओह माय गॉड कितना मजा है, लगता है तुम इसी ख्वाब में ही घर पहुंचोगी। ख्वाब क्या मतलब, तुम उससे शादी नहीं करोगे? अरे तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, ये तो मुझे कहना चाहिए और वो भी गुनगुना के, मुझसे शादी करोगी? क्या आपके बाल आम शैम्पू से ऐसे दिखते हैं? अब वो नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो। अगर तुम्हें अपनी नहीं तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो। मैं जुबान दे चुका हूँ जावेद साहब को कि हम तुम्हारी बड़ी नहीं छोटी बेटी को बहू बना रहे हैं। अब जब हम छोटी बेटी का रिश्ता देकर आ गए तो उसमें कीड़े निकाल रहे हो क्यों हसन, क्यों? आलियान नहीं आया? हाँ वो ऑफिस में था, अभी मेरी बात हुई। तो आप उसे साथ क्यों नहीं लेकर आए? अरे वो कौन सा बच्चा है जिसकी उंगली पकड़कर साथ लेकर जाऊं और फिर शाम को साथ लेकर भी आऊं। एक बात बताइए मुझे, ये आपका काम खत्म हो जाता है उसका क्यों नहीं होता? देखो उसने मेरा पूरा बिजनेस संभाला हुआ है, मैंने जो करना था कर लिया, अब उसे अकेले जिम्मेदारियां संभालने दो और यही वक्त है पॉलिश होने का।
जिम्मेदारी सिर्फ दफ्तर संभालना नहीं होती, मेरे ख्याल में अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, बीवी भी संभाल लेगा। अरे मैंने कब मना किया, करवा दो उसकी शादी। मैं तो पहले कह रहा था कि वो जो तुम्हारी भांजी है ना, उसको बहू बनाकर घर में ले आओ, लेकिन वो तो तुम्हारे बहनोई साहब है ना। आप हर बात का इल्जाम उन्हें क्यों देते हैं? अरे इल्जाम नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हें बात बता रहा हूँ। याद है तुम्हें लास्ट टाइम जब इस बात का जिक्र हुआ था तो उनका मुंह फूल गया था। भाई साहब भी कभी मना ना करते अगर। अरे देखो ना, वहम का तो कोई इलाज नहीं, भाई साहब खामखा शक पे मुब्तला है। जिस दिन उनकी गलतफहमी दूर होगी ना, उस दिन। खैर ये बात आप कम से कम मुझसे नहीं कर सकते। जिसे आप उनकी गलतफहमी कह रहे हैं ना, वो गलतफहमी नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। हेलो, हाँ मैं कल बात करूंगा। ओके इंशाल। जी डैडी आया। सलाम अलैकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। डैडी ने देख लिया तो सलाम कर लिया, वरना कोई जरूरत नहीं है रिलेशन रखने। सॉरी डैडी, वो एक्चुअली देर हो गई थी तो मैंने सोचा कि तो तुम मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? वो क्लास हो रही थी तो मैंने फोन साइलेंट पे कर लिया था। तुम्हें पता है आज तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था। डैडी मेरी लड़ाई नहीं थी वो तो। तुम्हें दूसरों की लड़ाइयों में कूदने का शौक भी तो बहुत है ना। आई स्वेयर डैडी मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी, आप चाहे तो मेरे किसी भी दोस्त से पूछ ले। हाँ दोस्त भी तो तुम्हारे है ना, तुम्हारी तरफदारी करेंगे, सच कहाँ बोलेंगे। भाईजान आ गए। हाँ वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज मौसूफ ने यूनिवर्सिटी में फिर झगड़ा किया है। क्यों भाई, क्या मसला हो गया था? भाईजान मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी, आप बता। व्हाटएवर, मैं सारी कहानियां रूम में आके सुनता हूँ। मैं चेंज कर लूँ, खाना खा लूँ, फिर तुम्हारी आगे क्लास लेता हूँ। ओके जी, गुड नाइट डैडी। बेटा देर क्यों हो गई आज? वो डैडी एक क्लाइंट आ गया था। हाँ तुम खाने की टेबल पे आ जाना, तुमसे कुछ बात करनी है। ओके डैड। भाई एजाज मियाँ, हम तो बिला वजह मैं समझता हूँ पुलिस को बुरा भला कहते रहते हैं, वरना तुम्हारा जो ऑपरेशन था वो तो वाकई बहुत बड़ा कारनामा था। आपकी दुआएं जी, हुकूमत की तरफ से प्रमोशन और कैश प्राइज अनाउंस हुआ है। भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे मैं तो समझता हूँ कि जिस महारत से तुमने वो ऑपरेशन किया, जो भी इनाम मिले कम है। मैं तो उस डाकू को जिंदा पकड़ना चाहता था, सो रेशम की जिंदगी के लिए उसे मारना ही पड़ा। भाई वो मंजर याद मत दिलाओ मुझे, मुझे याद आते तो रोंगटे खड़े हो जाते मेरे। तो रेशम ही की हिम्मत थी जो उसने ये सब कुछ देखा, मैं होता तो अल्लाह। हाँ जी बड़ा हौसला है जी उसका। हाँ तुम्हारे दो जवान आए थे बयान लेने के लिए, ले गए थे, अब और तो कोई नहीं आएगा परेशान करने के लिए हमें। अरे नहीं नहीं आप बेफिक्र रहें, अब कोई नहीं आएगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। इजाजत। हाँ भाई मेहरबानी है तुम्हारी जो हमारी खबरगिरी को आ जाते हो। कैसी बातें करते हैं, हम तो आपकी खिदमत के लिए, आप आधी रात को भी बुलाएंगे ना तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलता हूँ। रेशम सी रेशम का